बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सातवें चरण के तहत 19 मई को मतदान होना है। आज 22 मई से इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 19 मई तक चलेगी। समरणालय के पीछे स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन फार्म मिल रहे हैं। सामान्य वर्ग के लिए 25,000 एवं अनुसूचित जाति के लिए 12,500 रुपये में फार्म उपलब्ध है। नामांकन करने वाले लोगों को अंबेडकर चौक से ही गाड़ियां छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हालांकि जिन लोगों ने अनुमति ले रखी होगी उनकी 3 गाड़ियां समाहरणालय के गेट तक आ सकती हैं, लेकिन उन वाहनों को भी समाहरणालय के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहां से उम्मीदवार पैदल ही जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह के दफ्तर तक जाएंगे। सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं राघवेंद्र सिंह, जिलाधिकारी बक्सर। आप सभी का आह्वान करता हूँ इस बार 19 मई को आयोजित लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 22 से 29 अप्रैल तक होने वाले नामांकन के दौरान उम्मीदवार पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 3 बजे से पहले जो भी उम्मीदवार जिलाधिकारी के कक्ष में दाखिल हो जाएंगे उनका नामांकन लिया जाएगा। इसके बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अपने साथ उम्मीदवार 5 लोगों को लेकर नामांकन कक्ष में दाखिल हो सकते हैं। इससे अधिक लोगों को साथ जाने की अनुमति नहीं है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने कई काउंटर बनाए हैं। नामांकन कक्ष के निचली मंजिल पर भी सहायता केंद्र बनाया गया है, जहां उम्मीदवार के समर्थक प्रस्तावक अपने नाम का मिलान मतदाता सूची से कर सकते हैं। नियमों के अनुसार उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र से बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अपने निर्वाची पदाधिकारी से सत्यापित प्रति लेकर आनी होगी। लेकिन उनके जो समर्थक या प्रस्तावक होंगे उनका बक्सर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं नाम होना अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की यह प्रक्रिया 29 अप्रैल अर्थात सोमवार तक चलेगी। 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव संबंधी इस तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें बक्सर।